उसके बाद रविंद्र कुमार नेक्स्ट वाच शामिल हो गए। आज जोगिंदर नगर में जिस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कार्य कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में बहुत समय से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग संपर्क में थे और आज मैं सभी जो दो दर्जन से अधिक 27 जो विभिन्न बूथों के अध्यक्ष, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष, बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष सभी ने और हमारे महिला जो बूथ अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ताएं रही हैं, सभी ने आज माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली और नीतियों पर विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। मैं सबसे पहले सभी जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया 27 जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं बीजेपी के, आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद। मैं आज इन सब सदस्यों को और बाकी भी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो परिवार के लोग हैं उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप को पूरा मान सम्मान मिलेगा और ये परिवार हमारा अपना परिवार है और एक परिवार की तरह जिस तरीके से एक मुखिया परिवार को देखता है, उनके दुख सुख में खड़ा होता है, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे आप सब लोगों के लिए खुले हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी हम मुलाकात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और जो भी इनकी चाहे व्यक्तिगत और भी कोई भी समस्याएं हो उनको हम उनके समक्ष रखेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बाकी सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, इसका अपना इतिहास है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।